करावल नगर के माल गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। राजधानी दिल्ली के करावल नगर और अंकुर विहार के पास एक माल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने कई गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया है। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें आसमान में देख आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग लगने के स्थान से कई मीटर दूर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वीडियो बनाने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड रवाना हो गई है। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली HC ने पुलिस को जमकर लगाई फटकार, कहा दोषियों को पकड़े। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के कारण 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है। कोर्ट ने विशेष रूप से उस SUV चालक की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई जो बाढ़ के दौरान उस क्षेत्र से गुजर रहा था। बता दें कि मामले में मनोज कठुरिया, जिनके खिलाफ हत्या के लिए जिम्मेदारी का आरोप था, को हाल ही में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को दोषियों को पकड़ना चाहिए, न कि निर्दोषियों को परेशान करना चाहिए। राजस्थान के कई इलाकों भारी बारिश, खाजूवाला में हुई सबसे अधिक बरसात, IMD ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान भारी से बेहद भारी बारिश हुई। बीकानेर जिले के खाजूवाला में सबसे अधिक 19 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिस कारण बारिश प्रभावित क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति रही। नीट विवाद पर JP नड्डा ने कहा, बीमारी के कारण शरीर को नहीं मारा जाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG में प्रवेश से जुड़ी कुछ खामियों की वजह से पूरी प्रक्रिया को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष ने नीट का बचाव करते हुए कहा कि इसके लागू होने से पहले चिकित्सा शिक्षा एक खुला कारोबार बन गया था और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटें 8 से 13 करोड़ रुपए तक में बेची जाती थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्रीडम सेल की घोषणा, सिर्फ 1947 रुपए में करें फ्लाइट से सफर। 77वीं आजादी की वर्षगांठ के मौके पर टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फ्रीडम सेल की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही एयरलाइन आजादी के जश्न में शामिल हो गई है और पैसेंजर्स को मात्र 1947 रुपए में यात्रा करने का शानदार मौका दे रही है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यात्री 5 अगस्त तक बुकिंग कर सकते हैं। शेयर बाजार में कोहराम, निवेशकों के 4.46 लाख करोड़ रुपए डूबे। शुक्रवार को भारतीय बाजार में आई गिरावट के चलते निवेशकों के 4,46,003.70 करोड़ रुपए डूब गए हैं। 1 अगस्त को सेंसेक्स का मार्केट कैप 4,61,62,949.83 करोड़ रुपए था, जो आज बाजार बंद होने के बाद कम होकर 4,57,16,946.13 लाख करोड़ रुपए रह गया है और इसमें अब 4,46,003.70 करोड़ रुपए की कमी हो गई है। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 885 और निफ्टी 293 अंक लुढ़क कर बंद। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव और विदेशी बाजारों के प्रभाव के कारण शुक्रवार को भारतीय बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। गुरुवार देर रात अमरीकी बाजारों में आए भारी गिरावट और इसके बाद अन्य एशियाई बाजारों में मंदी के प्रभाव से भारतीय बाजार सुबह गिरावट के साथ खुले और सेंसेक्स खुलते ही 700 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में भी 221 अंक की गिरावट दर्ज की गई। UPI ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, लगातार 3rd महीने हुआ इतने लाख करोड़ का लेन देन। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। UPI के जरिए पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है। ऐसे में लोगों के बीच ये लेन देन का एक बेहद पॉपुलर माध्यम बन गया है। इसका असर जुलाई के पेमेंट आंकड़ों पर भी दिख रहा है। जुलाई में UPI ट्रांजैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस महीने में UPI के जरिए 1,444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इनके जरिए 20.64 लाख करोड़ की राशि एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर की गई है।